हेलो हेलो ऑल ऑफ यू. सॉरी सॉरी, थोड़ा सा एरर की वजह से हम लोग जो है पहले सुखमनी जी को ज्वाइन नहीं कर पाए. वो अभी फाइनली हमें ज्वाइन करने वाली है. सो आप लोग जो है अपने जो भी सवाल हो हमसे पूछ सकते हैं. और सभी लोग प्लीज़ अपने सवाल रेडी रखिए. सुखमनी जी हमें बहुत ही जल्दी अभी ज्वाइन करने वाली है. उनको एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे जो है लाइव को ज्वाइन करना है. हाय सुखमनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका. सुखमनी जी अभी हमें थोड़े टाइम में ज्वाइन करने वाली है एंड मैं उनको लाइव में ले लेता हूँ. सुखमनी जी हमें लाइव में ज्वाइन करने वाली है, जिन्होंने सेक्रेट गेम्स में बहुत काम किया है और भी बहुत सारी वेब सीरीज कर रही है वो. सो अभी हमें वो ज्वाइन करने वाली है. शायद कुछ एरर की वजह से सुखमनी जी हमें ज्वाइन नहीं कर पा रहे. यहाँ पे कोई एरर मैसेज दिखा रहे हैं. सुखमनी जी अगर आप लाइव आ गए हैं तो प्लीज़ हमें जो है एक रिक्वेस्ट भेज दीजिए लाइव में, सो दैट मैं आपको एक्सेप्ट कर लूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ लाइव में. ओके फाइनली ओके. या हाय, हाय हाय, आई हाउ आर यू? सॉरी, एम थोड़ा गुड. सा जो है प्रॉब्लम हो रहा था लाइव लेने के लिए. सो फाइनली या आई या नो, आई थिंक सब लोग को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है बिकॉज पीपल आर नॉट यूज टू गोइंग इतना लाइव द अमाउंट एवरीवन इज राइट गोइंग नाउ. सो एवरीवन इज राइट हैविंग राइट टीथिंग टीथिंग प्रॉब्लम्स, बट आई गेस राइट. इट्स ओके. हाय, सो हाउ आर सुखमनी, यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई अपने एम गुड. जो फैंस है या फिर व्यूवर्स है उनको हाय बोल दीजिए आप. हाय एवरीवन, थैंक्स फॉर जॉइनिंग इन. मैं थोड़ा या पास आ जाती हूँ. या सॉरी, या यहाँ पे बहुत सो धूप है बिकॉज आई एम इन पंजाब राइट नाउ एंड इट्स ओके काइंड ऑफ ओके हॉट हियर. इट्स लाइक कीप्स चेंजिंग, फ्लक्चुएटिंग द वेदर, और आज राइट. बहुत गर्मी है यहाँ पे. पंजाब सो पंजाब इज योर होम टाउन? इज माई होम टाउन. या माई पेरेंट्स लिव हियर बट आई वर्क इन बॉम्बे ऑब्वियसली. हाई एवरीवन हुज वाह. जॉइनिंग इन, हाय गाइस. सो सुखमनी, शुरुआत करते हैं हमारे लाइव की. सबसे पहले ये बताइए, हमारे देश में 21 दिन का लॉकडाउन है, आप हाँ, अपने होम टाउन में है, कितना एंजॉय कर रही है लॉकडाउन को? मैं सच बोलूं तो मुझे बहुत बुरा लगता है बोलते हुए कि मैं एंजॉय कर रही हूँ. तो आई फील बैड राइट राइट बिकॉज आई नो लॉट्स ऑफ पीपल आर नॉट इन अ वेरी गुड सिचुएशन राइट नाउ. राइट राइट बट टच वर्ड, थैंकफुली आई एम इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजिशन. आई एम हियर विद माई पेरेंट्स एंड घर का खाना है, थिंग्स सप्लाई वगैरह है, सब कुछ है यहाँ पे. बट आई फील राइट वेरी बैड राइट फॉर द वंस हु डोंट हैव इट. बट ठीक है, मेरे लिए इट्स नॉट बिन दैट डिफिकल्ट. आई वर्क इन बॉम्बे, आई गेट वेरी राइट टायर्ड. सो आई एम मोर देन हैप्पी दैट आई हैव कम फॉर अ ब्रेक. ब्रेक थोड़ी ज्यादा लंबी हो गई है वैसे, इतनी लंबी राइट एक्सपेक्ट नहीं राइट करी थी मैंने. बट राइट. ठीक है, अच्छा चल रहा है. लेकिन फैमिली खुश होगी कि इस मुश्किल घड़ी में आप उनके साथ में, क्योंकि अगर आप बॉम्बे में होती तो उनको थोड़ी सी टेंशन हो जाती है आपके लिए. बहुत ज्यादा टेंशन होती है उनको मेरे लिए बिकॉज मेरे सारे फ्रेंड्स जिनसे मैं बात करती हूँ बॉम्बे में, मतलब दे हैविंग अ राइट टफ टाइम. यू राइट नो वी आर नॉट यूज टू क्लीनिंग आर ओन houses, and I mean I hate to say this but it's the truth, and making our राइट own food and राइट making our own beds and all. मैं फिर भी बोर्डिंग स्कूल में थी तो मुझे फिर भी पता है थोड़ा बहुत, बट मोस्ट ऑफ अस राइट डोंट नो. तो माई पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी कि मैं यहाँ पर हूँ. और मैं मुझे लगता है कि मतलब जितनी खुशी मुझे है कि मैं उनके साथ हूँ, उतनी खुश वो भी है कि मैं उनके साथ हूँ, क्योंकि राइट सबकी हेल्प हो राइट जाती है एक, यू नो. राइट ऑल्सो बहुत सो सारे या हाँ, सॉरी ऑल्सो क्या बोल रहे थे आप? बहुत सारे जो हम लोग के व्यूवर्स है वो हाँ, घर पे भी बोर हो रहे हैं. तो आप बताइए कि आप क्या करती है क्वारंटाइन के टाइम पे खुद को एंटरटेन रखने के लिए, खुद को पीपल एक्टिव रखने के लिए? आस्किंग मी इफ माई मदर इज प्लेइंग सुडोकू. कल मैंने बड़ी फनी चीज या लिखी थी बिकॉज मेरी मम्मा राइट रोज बैठती है सुडोकू. एक तो पेपर एक है ऑब्वियसली, एंड सुडोकू सबको करना है घर पे. सो माई फादर ड्रॉज अ राइट ग्रिड, ही ड्रॉज द होल ग्रिड एंड देन हम सबको अपने अपने कॉपीज मिलती है. वो बैठ के वाह रोज चीटिंग करते थे. कोई पूछ रहे जब मम स्टिल प्लेइंग सुडोकू वाह टुडे, वाह. शी इज प्लेइंग सुडोकू टुडे. या सॉरी, व्हाट वर यू सेइंग? सो या सो आई वाज आस्किंग कि अभी जो लॉकडाउन के टाइम पे बहुत सारे लोग घर पे बोर हो रहे हैं, आप हमें बताइए कि आप अपना डे कैसे स्पेंड कर रही है, खुद को एंटरटेन कैसे रख रही है, खुद को जो एक्टिव कैसे रख रही है आप? मैं एक ना रूटीन बना लेती हूँ. आई थिंक अब तो पहले पहले 5 6 दिन 7 दिन सबको लगा था कि खूब सो खूब खाओ, यू नो राइट पीपल वर बिजी कॉलिंग अप देयर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड ऑल. वो टाइम खत्म हो गया. अब सबको एंग्जाइटी हो रही है कि एक्चुअली में ये क्या हो क्या रहा है और कितना लंबा चलने वाला है. सो नाउ राइट बोर्डम इज सेटिंग इन एंड यू नो बातें भी हो गई, वीडियो कॉल्स भी हो गई, पेरेंट्स से भी बात कर ली, सो भी लिया, खा भी लिया, अब क्या.
सो यू हैव टू मेक अ रूटीन बेसिकली, जैसे हम पहले सारे के सारे थे वैसे अपना एक रेजिमेंटेड रूटीन बनाओ. मैं आई मेक श्योर कि मैं 2-3 बजे तक ऐसे नहीं पजामे में बैठे रहूँ. आई टेक अ शावर बिकॉज आई फील नहा के बंदा फ्रेश हो जाता है, एंड देन यू गेट राइट स्टार्टेड विद योर डे. एंड राइट आई एम राइटिंग अ शो फॉर बालाजी राइट नाउ एंड वन फिल्म फॉर वाह नेटफ्लिक्स. आई एम ऑल्सो राइटर. वाह सो वो अच्छा है, वो डेडलाइन चल रही है, वहां पे बालाजी मेरे एपिसोड्स पढ़ रहे हैं, तो मुझे लिखना पड़ता है, उनको भेजना पड़ता है, रिप्लाई आता है, मैं चेंजेस करती हूँ, वो फिर वापस जाता है. सो इट कीप्स मी बिजी, थैंक गॉड फॉर दैट, फॉर द प्रोजेक्ट्स व्हिच आर, यू नो, दैट्स द ब्यूटी ऑफ बीइंग अ राइटर, इज दैट योर लैपटॉप इज देयर विद यू, सो वर्क इज गोइंग ऑन. अगर वो नहीं होता तो आई वुड हैव गॉन क्रेजी बाय नाउ. राइट राइट सो या वो फिर वर्कआउट, आई मेक श्योर आई वर्कआउट एवरी डे 100%. वाह माय मदर इज मोर रेजिमेंटेड देन आई एम, तो 1 घंटा हम लोग वॉक करते ही करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए. लकीली हम लोग का घर में जगह है, यहाँ पर वॉक कर सकते हैं, आसपास गार्डन्स है, टेरेस है, बालकनीज वाह है. लाइक जैसे मैं अगर आपको अभी दिखाऊँ, आई डोंट नो हाउ टू टर्न दिस, लाइक ये यू नो वी हैव अ बालकनी वाह बिल्कुल मेरे पीछे, मैं आपको दिखा रही हूँ, तो यहाँ पे वर्कआउट कर सकते हैं. वाह तो ये स्मॉल टाउन्स की थोड़ी लग्जरी होती है कि हाँ राइट राइट आप ये चीजें कर सकते हो, दैट्स द गुड थिंग. मुंबई में तो सब छोटा होता है, घर छोटा होता है, सो थोड़ा सा कंजर्वेटिव हो जाता है, लेकिन वहां पे जो है हमें पूरा स्पेस मिलता है यूज करने के लिए, जिम करने के लिए, देन बहुत अच्छी जगह होती है। और इसके अलावा मैं तो गुजरात से बिलोंग करता हूँ, सो गुजरात में अच्छा कैसा होता है कि बहुत अच्छा, मतलब खेत होते हैं वो सब, तो बहुत अच्छा लगता है गाँव में एक्चुअली। बिल्कुल, आई थिंक ये दिस वाज द बेस्ट टाइम. जो लोग अपने अपने घर चले गए हैं, अपने गांव चले गए हैं, अपने पेरेंट्स के पास चले गए हैं या अपने इन लॉज के पास चले गए, जहां पे भी, आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग दैट पीपल हैव डन. मैं अपनी फ्रेंड को कल ही बोल रही थी इनफैक्ट कि हम जो थोड़े लोग घर चले गए हैं ना राइट टाइम पे, वी आर ब्लेस्ड, और जो अटक गए वो अटक गए. एक्चुअली एक ऑडियंस का सवाल ले लेते हैं। अजय जी पूछ रहे हैं, आपको क्या लगता है पीपल ने जो ये कोरोना वायरस स्प्रेड पर क्या ये कितना असर होगा जो स्प्रेड कल हुआ जो है क्या पी असर होगा? नहीं 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 आपको क्या लगता है कि कल जो पीपल ने किया, मतलब जो दिए जलाए, उसको उसको लेकर कितना असर होगा? यार उसकी साइंटिफिक लॉजिक दी जा रही है जहां तक मैंने रिसर्च करी है. इट्स गॉट अ लॉट टू डू विद द सेटिंग्स ऑफ द प्लैनेट्स एंड एवरीथिंग, एंड अपेरेंटली द एनर्जी इज व्हाट आवर प्राइम मिनिस्टर वाज ट्राइंग टू फोकस ऑन, वाज द एनर्जी दैट वाज बीइंग क्रिएटेड. अब वही, इट्स अ स्पिरिचुअल एंगल, आप जो बिलीव करेगा वो करेगा, नहीं करेगा नहीं करेगा. मुझे पर्सनली नहीं लगता है कि कैंडल्स ऑन करने का कोई एजेंडा था. द होल पॉइंट वॉज फॉर द कंट्री टू कम टूगेदर. इट्स जस्ट यू जस्ट बूस्ट योर मोराल दैट वी आर ऑल टूगेदर इन दिस. सो लाइक आई लुक एट माई नेबर, सब बहुत खुश थे, सबने एक दूसरे को वेव आउट किया, एक अच्छी फीलिंग है. अभी ऐसे टाइम पे जब सब इतने सैड है, जस्ट ब्रिंग्स अप योर यू नो क्वोशेंट ऑफ हैप्पीनेस. सो बट ऑनेस्टली इफ यू आस्क मी प्रैक्टिकली, तो एग्जीक्यूशन हैज टू बी मेड इन डिफरेंट थिंग्स. हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स को वायरस ना फैले, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है अभी. आई डोंट थिंक कैंडल्स वगैरह से मेरे को पर्सनली लगता है कोई फर्क पड़ने वाला है. ऑल्सो जिस तरह का कल मैं एक न्यूज में देख रहा था कि जो एलिफेंट रास्ते पे घूम रहा था, पीकॉक बाहर आ रहे थे, तो आपको लगता है कि हाँ ये ड्यूरिंग द लॉकडाउन जो है पोल्यूशन भी थोड़ा सा कम हुआ है मुंबई में और दूसरी जगह पे ऑफ इंडिया कोर्स में? यार, ऑफ कोर्स. मतलब ये आप पूछ रहे हो बट आपको उसका जवाब ऑलरेडी मालूम है कि मतलब जलंधर से हिमालयन रेंज दिख रही है और पीकॉक्स बाहर आ गए हैं. मेरे एक आंटी है चंडीगढ़ में, उनके घर में कुछ न्यूज़पेपर में आया, लाइक यू नो कैट लाइक एनिमल, ऑब्वियसली इट्स नॉट अ कैट लाइक एनिमल, स्नेक्स आर कमिंग आउट इन. सो इवन पीपल वी नो, लाइक आई नो पीपल हु आर लिविंग ऑन द आउटस्कर्ट्स चेन्नई में, एवरीथिंग इज चेंजिंग. इट्स जस्ट रियली, मेरे कल शहर में हेल स्टॉर्म हुआ है अप्रैल के महीने में, वाह तो कुछ क्लाइमेटिक चेंजेस तो हो रहे हैं. मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि द प्लैनेट इज गोइंग थ्रू अ रीवैम्प. इट्स लाइक द होल वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू अ मेकओवर राइट नाउ. क्लेंजिंग इज हैपनिंग. यू नो हाउ वी डिटॉक्स आवर सेल्व्स? आई हैव ग्रीन टी राइट डिटॉक्स एंड समटाइम्स आई एम लाइक अब मैं 10 दिन के लिए कोई मीठा नहीं खाऊंगी. आई थिंक द वर्ल्ड इज राइट गोइंग थ्रू अ क्लेंजिंग राइट नाउ, एंड द एनिमल्स कमिंग आउट इज ब्यूटिफुल. अब पता नहीं कितनी सच है कितना नहीं सच है, बट ड्रोन शॉट्स दिखा रहे हैं मुंबई सिटी के, राइट कोई राइट डॉल्फिन दिखाई दी गई है. अब हाँ VFX भी बहुत करते हैं लोग, बट आई नो काफी फोटोग्राफ्स और ड्रोन शॉट्स तो ट्रू ही है, राइट? राइट सो द ओनली थिंग आई फील बैड अबाउट इज कि जैसे ये सब खत्म होएगा बेचारे एनिमल्स विल बी गॉन. इट लिटरली राइट 1 दिन की बात होने वाली है, एंड 1 दिन में मेरे को लगता है सब वही चीज होने वाली है. विल बी आउट, हमारा हॉन्किंग, हमारा
पोल्यूशन सब राइट स्टार्ट हो राइट जाएगा एंड ऑल एनिमल्स विल डिसअपीयर, बेचारों की पार्टी खत्म हो जाएगी बेसिकली. राइट. जितेंद्र जी पूछ रहे हैं कि आपको लगता है कि लॉकडाउन हर साल होना चाहिए? अगर मैंने इसका आंसर दिया तो मुझे तो जूते पड़ेंगे लोगों से, बट मुझे पर्सनली लगता है लॉकडाउन हर साल होना चाहिए. जहां तक कि लोगों को इनकन्वीनियंस ना कॉज हो, लोगों को खाने के लिए सब कुछ मिले, मेडिकेशन मिले, कोई इनकन्वीनियंस ना हो ह्यूमन बींग्स को, आई थिंक 10 दिन के लिए लॉकडाउन अगर करा जाएगा तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी, पोल्यूशन, लिटरिंग, एवरीथिंग विल बहुत सारी. ब्रेक मिल हाँ जाएगी, एक ब्रेक मिल जाएगी. आप सोचिए कल जो 9 मिनट के लिए हम लोगों ने लाइट्स बंद करी है, सर उससे कितनी लाइट बड़ी हुई बची हुई इंडिया में, सिर्फ नाइन राइट मिनट्स हाउ मच ऑफ अ डिफरेंस इट वुड हैव मेड. राइट. आशुतोष सो जी आई कह एम रहे क्वाइट होपफुल. हैं हर हर महीने होना चाहिए लॉकडाउन, लोग साथ तो रहेंगे. वाह, ये भी अच्छा आइडिया हाँ ये भी अच्छा आइडिया, अपनी फैमिली के साथ टाइम. ये यू नो व्हाट इट्स कॉल्ड, इट्स कॉल्ड कंपल्सिव रिलैक्सेशन. लोग अपने साथ में फैमिली के साथ टाइम ही स्पेंड करेंगे, थोड़ी क्या कहते हैं डिसिप्लिन भी आ जाएगा लाइफ में, राइट पैसे भी कम, राइट पैसे जितने कमा नहीं रहे हम लोग पैसे उतने खर्च भी तो कम हो रहे हैं. वी नॉट गोइंग राइट. आउट, थिएटर्स नहीं जा रहे, रेस्टोरेंट्स नहीं जा रहे, तो यू नॉट अर्निंग बट योर कॉस्ट प्राइस ऑल्सो गेट्स लेस, सो इट्स नॉट अ बैड थिंग. बस कोई मरे नहीं, अदरवाइज लॉकडाउन इज नॉट अ बैड थिंग. राइइट ऑल्सो आपने कहा कि ऑल्ट बालाजी के लिए आप शो लिख रहे हैं, थोड़ा सा बताइए कि किस बारे में है शो या फिर कब तक आने वाला है? क्योंकि ऑडियंस हमें पूछ रही थी आपके बारे में कि सेक्रेट गेम्स के बारे में पूछना और बहुत सारी चीजें पूछना, तो स्टार्टिंग हम इनसे करते हैं कि ऑल्ट बालाजी का जो हाँ आपने शो शो लिख रही है, आप थोड़ा सा बताइए हमारे जी. ऑडियंस को कि किस बारे में है वो. ऑल बालाजी का एक बहुत ही क्यूट शो है, लव स्टोरी है बेसिकली. इट्स अबाउट, मैं ज्यादा बता नहीं सकती, बट इट्स अबाउट कपल दैट गेट्स डिवोर्स्ड एंड दे गेट डिवोर्स्ड बिकॉज व्हेन दे मैरिड दे आर लाइक प्रिटेंडिंग सो हार्ड टू बी परफेक्ट, यू नो ही ट्राइज टू बी वेरी परफेक्ट, शी ट्राइज टू बी परफेक्ट, बट वो नहीं बनता है बिकॉज आज के जमाने में आप कितनी एक्टिंग कर लोगे. तो दे गो थ्रू अ सेपरेशन, बट हाउ आफ्टर दे गेट डिवोर्स एंड हाउ दे आफ्टर द सेपरेशन दे रियलाइज की यार अब कोई जरूरत नहीं है उसको इम्प्रेस करने की. सो नाउ दे आर देमसेल्व्स एंड देन दे रियलाइज की एक्चुअली दे आर वेरी कूल पीपल बोथ ऑफ देम. सो इट्स अ लव स्टोरी, इट्स वेरी क्यूट एंड हाउ दे एक्चुअली स्टार्ट गेटिंग अट्रैक्टेड टू ईच अदर बिकॉज दे डोंट हैव टू एक्ट एनी मोर एंड दे डोंट हैव टू प्रिटेंड. तो वो लव स्टोरी है, एक वेब शो है वो है. फिर मैंने उसके अलावा नेटफ्लिक्स के लिए एक फिल्म लिखी है अभी, उसके बारे में मैं ज्यादा बता नहीं सकती, बट उसकी शूटिंग हम लोग मार्च में स्टार्ट करने वाले थे चंडीगढ़ में, वो अभी डिले हो गई है. एंड उसके अलावा मैंने तांडव में एक्टिंग करी है विच इज अली अब्बास जफर ने प्रोड्यूस करा है वो शो तांडव, इट्स कॉल्ड दिल्ली, उसमें सैफ अली खान है, डिंपल यस यस कपाड़िया है. यस आई नो. हाँ तो वो अभी रिलीज होने वाला है, वो भी आई थिंक समटाइम, आई थिंक थिंग्स माइट गेट अ लिटिल शिफ्टेड नाउ बिकॉज ऑफ ऑल राइट दिस, बट दैट शुड रिलीज इन नवम्बर. राइट एंड और क्या लिख रही हूँ मैं, एक और फिल्म लिख रही हूँ मैं फिलहाल. मैं तो आई थिंक वाह राइटर्स के लिए बड़ा अच्छा टाइम है ये बिकॉज वी हैव सो मच फ्री टाइम सो वी कैन कीप राइटिंग. बट ऑफ राइट कोर्स मेरी एक्टिंग जो मैंने तांडव करा है वो है पॉज पे है, पॉज पे नहीं अब रिलीज होएगा. तो आई थिंक राइट शूटिंग सबकी, एक्टिंग सबकी अभी 1-2 महीने के लिए नहीं होने वाली है, बट राइट राइटिंग तो चालू है एकदम. राइट अगर और क्या आपको बताऊं दो मैं दो आपको. चीजों में से चूज करना हो, अगर आपको एक्टिंग या राइटिंग, तो आप क्या चूज करेंगे? मेरे को ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, बट मेरे पास इसके लिए कोई आंसर नहीं है कभी भी, क्योंकि मैं एक्चुअली दोनों बहुत ज्यादा एंजॉय करती हूँ. बट मुझे सिर्फ ये लगता है कि जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी या मोटी हो जाऊंगी तो मुझे कोई रोज मिलने वाले हैं नहीं, तो आई मस्ट मेक श्योर कि तब मेरा राइटिंग करियर एक्टिव रहे. इसलिए आई वेरी मेक स्मार्ट. श्योर दैट आई, या दैट्स व्हाई, बिकॉज ब्रेन तो रहेगा, क्रिएटिविटी रहेगी, looks looks will not stay, talent I'm so luckily the good thing is now that actors even at old age you get really really good राइट roles, but girls राइट ke liye it's the younger you are the better it is, the higher the chances are for राइट girls for sure. और राइट अगर आपके एक्टिंग करियर की बात करें, सेक्रेट गेम्स से शुरुआत हुई, सबसे पहले ये हमें बताइए कि कैसे मिला सेक्रेट गेम्स, कैसे ऑन बोर्ड आए, और नवाज के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, अनुराग सर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? अनुराग सर इज फैबुलस, गोज विदाउट सेइंग. वो बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से डायरेक्ट करते हैं एक्चुअली. मतलब आपको एक सीन आएगा आपकी वैनिटी वैन में और आप जब पहुंचोगे सेट, हेलो हेलो
हेलो हेलो हेलो शायद नेटवर्क इशू की वजह से सुखमनी जी बीच में लेफ्ट हो गई है। अभी अभी हमें फिर से ज्वाइन करेगी जैसे उनका नेटवर्क आता है। यस यस राइट अजय जी, उनका थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम था। शिल ज्वाइन अस इन फ्यू मिनट्स। सो जैसे आप लोगों ने हमें कहा था कि सेक्रेट गेम्स के बारे में उनको बहुत सारी बातें पूछनी है। सो अभी जो शुरुआत ही होने वाली थी कि उनका नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया है, लेकिन वो बहुत ही जल्दी हमें ज्वाइन करेगी। तब तक के लिए मैं आपके थोड़े से सवाल देख लेता हूँ कि क्या क्या पूछना है मुझे। डिड यू लाइट कैंडल यस्टरडे मैम? मैंने कैंडल लाइट किया था, और इनसे सुखमनी जी से मैं पूछूंगा जरूर कि उन्होंने कैंडल लाइट किया था या नहीं। आई वॉन्ट टू से समथिंग अबाउट अन्वेषी जैन। यस अजय जी बोलिए ना। हेलो हेलो राकेश मैं हेलो। जी, हेलो, आवाज आ रही है राकेश जी? हाँ जी हाँ जी आवाज आ रही है, कैसे हैं आप? मिनट, अजय जी मैं आपसे बात करता हूँ, सुखमनी जी एक्चुअली आ गई है। सो ठीक है, मैं आपको ज्वाइन करता हूँ थोड़े टाइम में। हाय, सॉरी सॉरी। हाय हाय, हाँ शायद नेटवर्क प्रॉब्लम था आपके यहाँ पे। हाँ हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम जी। या हाँ सो हाँ, तो हम लोग सेक्रेट गेम्स के बारे में बात कर रहे थे। हाँ तो ही इज लाइक दैट, ही इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो वो मेरे को सीन देते थे और जब मैं पहुंचती थी सेट पे तो सडनली हीज टू बी लाइक, जो लिखा है सुखमनी वो सब हटाओ, मतलब हम बिल्कुल कुछ फ्रेश करने वाले हैं। तो मैं वाह एकदम ही, उनके राइटर्स भी सेट पे होते थे और वो बोलते थे कि चलो हम ऐसे नहीं करेंगे, हम ऐसे करेंगे। तो पूरा लाइंस वाइंस आप याद करके गए हो एंड बिफोर यू नो इट इट्स गॉन। ओके, स्पॉन्टेनियस होता है मतलब सब बहुत स्पॉन्टेनियस होता है एंड ही इज अ राइटर हिमसेल्फ, राइट? सो फॉर हिम इट्स राइट। लाइक ही जस्ट टेक्स द कॉल व्हेनेवर ही फील्स लाइक। सो एनीवे एंड इवन थिंग्स लाइक मेकअप भी अगर हम करते थे तो उनका होता था कि मतलब तुम मेकअप क्यों करके आई हो, तुम्हें पता नहीं कि तुम स्लम की लड़की हो, यू आर राइट सपोज टू बी लिविंग इन धारावी, व्हाई डू यू हैव अ लाइनर, व्हाई डू यू हैव अ काजल। आई एम लाइक अनुराग सर इतना तो करने दो, मतलब पीपल विल लुक एट मी एंड फ्रीक आउट। But he wouldn't listen. So he's very cool that way. I have a lot of respect for the way he works. And Nawaz sir, तो मतलब I have no words. He's outstanding. जितने वो लगते हैं devil या evil type के जैसे portray करते हैं अपने आप को, वैसे बिल्कुल भी नहीं है। राइट He's too cool. He's too chilled out. He's too laid back. Hi Ajay. Hi everyone. Sorry, going on हेलो, talking. Not सॉरी saying hi to सॉरी ऑल ऑफ everyone. यू, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम था। सो आप लोगों के सवाल रेडी रखिए, हाँ, सुखमनी जी सभी यू सवालों के हैव आंसर मेकअप देने दिस वाली है टाइम और आज। नॉट? थोड़ा थोड़ा लगाया मैंने मेकअप अजय, थोड़ा थोड़ा सा लगाया हुआ है। तो अनुराग राइट सर मुझे कहते थे कि तुम तो मतलब तुम इसकी बंटी की बहन हो, तुम स्लम्स में रहते हो, तुमने मेकअप क्यों किया है? तो मैंने कहा अनुराग सर लोग देख के घबरा जाएंगे, थोड़ा तो मेकअप करने दो। तो ही यूज्ड टू बी लाइक, ही इज रियली फनी, सेड ये इट्स माय शो एंड सीक्रेट गेम्स हैज टू बी ऑल ऑथेंटिक एंड एवरीथिंग। वो लोग तो मतलब उन वाह लोगों ने मुझे मेरे नेल्स के अंदर वो लोग मिट्टी डालते थे जानबूझ के, ताकि ऐसे लगे कि मैं मतलब गंदी हूँ और नहाई नहीं वाह हुई हूँ। सो हाय हाय प्रवेश, हाउ आर यू? वाह, सो मच ऑफ सो इट वाज अ क्रिएटिविटी। गुड एक्सपीरियंस, लाइक सम ग्रेट पीपल कमिंग टुगेदर टू मेक दैट शो, लाइक अनुराग सर, नवाज सर, एवरीबडी इज जस्ट टू गुड, ग्रेट बंच ऑफ पीपल कमिंग टुगेदर। एंड फैंटम इज सच अ गुड प्रोडक्शन हाउस, एवरीथिंग वाज राइट अमेजिंग। यू हैव टू सी आर कॉल शीट्स, मतलब कितने बजे किसको आना है, कौन किसका मेकअप करेगा, एवरीथिंग वाज जस्ट टू ऑर्गेनाइज, वेरी वेल राइट ऑर्गेनाइज। टॉकिंग अबाउट योर कैरेक्टर, क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिले थे जब सेक्रेट गेम्स बाहर आया था? सो बहुत ही धमाल तो हो ही गया था सब लोगों के बीच में, लेकिन आपके धमाल किरदार को तो लेके क्या कुछ कॉम्प्लीमेंट मिला था आपको, स्पेशली आपके मेरे फैमिली मेंबर्स से? को कॉम्प्लीमेंट सबसे ज्यादा सीक्रेट गेम्स में ये मिला था कि सुखमिनी हाउ यू आर इन रियल लाइफ, यू वर नॉट नथिंग लाइक दैट। वाह सो विच दे फाउंड वेरी इंट्रीगिंग कि जैसे मेरी पर्सनालिटी है, मैं बेसिकली होस्ट करती हूँ और एंकर करती हूँ शोज,
और मोस्ट ऑफ माई एंकरिंग एंड शोज आर ऑल वेरी इंग्लिश वेल स्पोकन, वेरी आर्टिकुलेट, एंड दिस इज अ फुल देसी लड़की, यू नो, माँ बहन की गाली दे रही है, एंड शी वॉज वेरी अग्रेसिव एंड फुल ऑन. सो द राइट बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आई गॉट फ्रॉम एवरीवन वाज कि वी वुड हैव नेवर इमेजिन्ड यू टू डू समथिंग लाइक दैट एंड पुल दैट वाह ऑफ एंड बी बिलीवेबल कि तू एक्चुअली है मतलब गाँव की लड़की. सो दैट वॉज द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आई गॉट. आई थिंक दैट इट वॉज बिलीवेबल दैट आई कुड बी अ स्लम गर्ल. द फैक्ट दैट आई कैन बी अ स्लम गर्ल, यस. वाह एंड हाँ यहाँ पे कुछ सवाल आए हैं. ऑन द प्रेजेंट सिचुएशन, व्हाट डू यू थिंक, लॉकडाउन विल बी ओवर और नॉट आफ्टर 8 डेज? आफ्टर एट एट डेज डेज अभी 8 दिन बचे ना, 14th को यार खत्म हो मुझे जाएगा. गाली मत मारना कि मैं तुमको बोलूं कि कैन यू ओपन योर आईज अंडर वाटर. क्या क्वेश्चन है यार, वाओ. यस आई कैन. मेरा आंसर और भी वियर्ड है कि आई कैन एक्चुअली, बिकॉज आई वाज आई एम अ नेशनल लेवल स्विमर. आई डिडंट विन माय नेशनल लेवल बट आई वेंट फॉर नेशनल लेवल स्विमिंग. सो आई कैन स्विम रियली वेल एंड आई कैन टोटली ओपन माय आईज अंडर वाटर. कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आफ्टर 8 डेज विल द लॉकडाउन बी ओवर? आई कांट से एनीथिंग. मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि नहीं होएगा खत्म, बिकॉज जहां तक मैंने आज पढ़ा है पेपर में, और एवरेज इंडिया में एक घंटे राइट में एक केस पॉजिटिव हो रहा है. 32 केसेस इन 24 आवर्स, विच मीन्स एवरेज एक घंटे में एक केस पॉजिटिव हो रहा है. अगर ऐसे चलता रहा तो मुझे तो नहीं लगता है कि हम लोग 8 डेज में लॉकडाउन खत्म कर पाएंगे. बट आई होप सो कि हो जाए. राइट. और ऑडियंस को मैं बताना चाहूंगा कि अब तक जो है 4,000+ केसेस आ चुके हैं, तो इस सिचुएशन में तो मतलब कोई सोचेगा भी नहीं कि लॉकडाउन हटाना चाहिए हमें. नहीं हटाना चाहिए, यू नो. राइट मेरे को इतना लगता है कि इतना हम लोगों ने वेट कर लिया, इतनी पेशेंस रखी है, तो क्या फर्क पड़ता है अगर एक हफ्ता और होगी हो गया तो, 2 हफ्ता और हो गया तो. आई फील प्रवेश जी, प्रवेश जी बोल रहे, राइट आफ्टर लॉकडाउन आई एम श्योर आई एम इन योर सिटी विथ ऑल योर परमिशंस. हुज परमिशंस. योर परमिशन यस एंड आई एम इन पंजाब. यस आई एम इन पंजाब, वेरी मच गुड प्लेस टू गेट स्टक इन इज पंजाब फॉर श्योर. सिड इज आस्किंग डे वन शूट सेक्रेट गेम्स. या ही इज फ्रॉम माई टीम, दैट्स व्हाई ही इज बीइंग फनी. सेड इज बीइंग फनी, ही इज फ्रॉम माई ओके एंड टीम, वी वर्क टुगेदर. विच ईयर डिड सो यू अपियर इन 10th बोर्ड? विच व्हाट, विच ईयर यू अपियर्ड इन 10th बोर्ड, मतलब ओ वेरी इनडायरेक्टली आपकी स्मार्ट. एज मतलब मैं जानना अपनी चाह उम्र बता दूं भाई, ये आंसर तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बताने वाली हूँ. रहे. मैं आपको अपने स्कोर बता सकती हूँ कि मेरे हाँ 10th बोर्ड में कितने आए थे. आई थिंक आई डिड प्रीटी वेल. इट वाज लाइक 90 89 और समथिंग, 88 89. आई वाज अ ब्राइट स्टूडेंट. बट यार सो एज तो फर्स्ट मैं बिल्कुल भी बेंचर. नहीं बताने वाली हूँ. तो ओके एंड अखिल पूछ रहे, डिड यू लाइट लैम्प्स यस्टरडे? आई डिड आपने एक्चुअली, आई डिड. मेरे घर में बड़ी कंफ्यूजन चल रही थी बिकॉज माई मॉम थॉट कि द लाइटिंग कैंडल्स वॉज वेरी क्यूट, एंड माई फादर वॉज सेइंग कि मुझे नहीं करना है, क्योंकि मुझे उनको लॉजिक नहीं समझ में आ रही थी कि उनको क्यों करना है. तो इसलिए दोनों के दोनों में काफी आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे इस बात पे. तो मुझे, मैं बीच में फंस रही थी कि मैं क्या करूँ. सो आई मेडिटेट एवरी डे. सो आई टुक दैट टाइम एज एन अपॉर्चुनिटी टू मेडिटेट. सो मैंने वो 9 मिनट्स के लिए कैंडल ऑन करके आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू मेक द मोस्ट ऑफ इट, बिकॉज आई बिकॉज इवन इफ इट वॉज नथिंग टू डू फॉर द कंट्री, जब मून की सेटिंग ऐसी होती है हर महीने, फुल मून, नो मून, देयर आर टाइम्स व्हेन मेडिटेशन इज वेरी स्ट्रॉन्ग. सो आई वुड हैव एनीवे डन दैट यस्टरडे. राइट सो या एंड शुभ रामपाल, शुभम, अच्छा शुभम बोल रहे कि लव्ड योर कैरेक्टर उत्तरा बख्शी इन खोटे सिक्के. या हाय ओके एंड यस, खोटे ऑफिशियल सिक्के डेबिका, वाज थैंक या प्लीज. यू सो मच, थैंक यू, आई एम ग्लैड यू लाइक्ड इट. नाउ खोटे सिक्के इज कमिंग ऑन नेटफ्लिक्स आल्सो आई बिलीव, सो यू कैन वॉच इट देयर. मैंने बड़े सालों से देखा नहीं है बट आता है, नेटफ्लिक्स पे आता है. ऑफिशियल डेबिका, हाउ आर यू स्पेंडिंग योर डेज? आई एम स्पेंडिंग माई डेज, आई एम इन पंजाब, सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर. आई ट्राई टू वर्कआउट एवरी डे, आई राइट अ लिटिल बिट, आई रीड अ लॉट ऑफ बुक्स, आई एम ट्राई टू वॉच अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्रीज. आई वुड सजेस्ट वॉच अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्रीज ऑन नेटफ्लिक्स. मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत टीवी शोज हैं, ठीक है आप देखे टीवी शोज, बट ऑल्सो ट्राई टू लर्न समथिंग न्यू. आई फील लाइक इतनी अच्छी अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज हैं, एड सम वैल्यू टू योर सेल्फ राइट रादर देन वॉचिंग सम
fiction shows. I feel like that. So I would say do that. अखानी सत्यमा सत्या एमजी, व्हाट आर योर Hi. फेवरेट एक्टिविटी ड्यूरिंग लॉकडाउन? Yeah, so like I said, I would read a lot of books. I'm trying to watch documentaries. मैं बड़े टाइम से वेट कर रही थी कि मैं सो, लोग बड़ी पॉजिटिव बातें कर रहे हैं कि ऐसे करो वैसे करो, मैं तो बहुत सो रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि जितनी नींद पूरी हो सकती है, ट्राई टू कैच अप विद योर स्लीप. वाह, प्लीज कीप वर्किंग आउट गाइज, सजेस्ट सम बुक्स टू रीड. करंटली आई एम रीडिंग दिस बुक कॉल्ड हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड. आई डोंट थिंक यू शुड रीड दैट, इट्स टू हार्ड कोर एंड टू इंटेंस. Maybe you should watch, read this, read like light books, like Tuesdays with Morrie is a really nice, easy book. I think we all need some positive stuff right now. So read राइट. stuff like that, you know, read The Alchemist, read like, I even read things like Mills and Boons. I know it sounds really lame, but I even read books like Mills and Boons because I feel like right now we don't need to add more stress to what we already राइट have. So राइट yeah. राइट राइट. अजय जी पूछ रहे हैं, सुखमणि जी आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? मैं अमृतसर से हूँ, पंजाब से. मैं यहाँ पे पढ़ी थी 10th स्टैंडर्ड तक अमृतसर में. उसके बाद मैं बोर्डिंग स्कूल चली गई थी देहरादून, वेलम गर्ल्स. उसके बाद मैंने दिल्ली में पढ़ी थी लेडी श्रीराम कॉलेज में. उसके बाद मैं मुंबई में पढ़ी थी जेवियर्स कॉलेज में. तो मेरा होम टाउन अमृतसर में है, मेरे पेरेंट्स यहाँ रहते हैं, बट वर्क इज इन बॉम्बे, सो आई स्टे इन बॉम्बे, बट अदरवाइज माई होम ओके. टाउन इज अमृतसर. अखिल पूछ रहे हैं, योर होम वर्क वर्कआउट रूटीन? सो आई डू 45 मिनट्स ऑफ वर्कआउट एवरी डे, एवरी डे. नॉट संडे को भी, संडे इज ऑल्सो नॉट अलाउड बिकॉज अभी वॉट्स हैपनिंग इज हम लोग बहुत खा रहे हैं आई थिंक, एंड सब मीठा भी बहुत खा रहे हैं बिकॉज इज नो कंट्रोल ऑन डाइट एट ऑल. सो आई वुड से डू लॉट ऑफ स्पॉट जॉगिंग, स्क्वाट्स, डू वेट्स, डू लॉट ऑफ लंजेस, डू लॉट ऑफ वॉट डू यू कॉल दैट क्लाइंबिंग, आई फॉरगेट वॉट इज कॉल्ड, समबडी वुड बी एबल टू टेल मी मे बी, आई डोंट नो वॉट. स्पॉट जॉगिंग फॉर मी वर्क्स वेल बिकॉज आई फील लाइक अभी जगह नहीं है हम लोग के पास ज्यादा. तो बेसिकली हाई इंटेंसिटी कार्डियो इज व्हाट आई डू, दैट्स व्हाट आई डू. राइट. आई वर्क ऑन माई एब्स अ लॉट. इफ यू वॉन्ट आई गाइस, आई कैन शेयर विद यू गाइज लाइक दिस वन वीडियो दैट आई हैव, आई कैन शेयर इट या विद यू गाइज एंड यू गाइज कैन फॉलो दैट. इट्स अ 20 मिनट्स वेरी वेरी विगरस वर्कआउट बट यू विल बी स्वेटिंग लाइक मैड. So that's really वाओ. good. वो आप कोशिश कर सकते हैं. ओके. एजुकेशन मतलब एजुकेशन, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट इफ दैट्स योर क्वेश्चन अजय. आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट, आई स्टडीड एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग फ्रॉम जेवियर्स कॉलेज इन मुंबई, सेंट जेवियर्स कॉलेज इन मुंबई. सो आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट बेसिकली. शुभम, योर फेवरेट बुक? आई लव अ सूटेबल बॉय. I love this book called Family Matters. One of my favorite books is Tuesdays with Marie. I love that. What else? For me, The Secret was kind of life-changing. So I would suggest everyone to read The Secret. It might work for you, it might not. There are a lot of people jinko The Secret bilkul suit nahi karti hai. They don't believe in it. But I believe in it, so it works really well for me. रशीद बोल रहे कि पंजाबी फूड इज द बेस्ट. दिख नहीं था पंजाबी फूड में, जब से आप कम है आप पुट ऑन लाइक आई एम लाइक थ्री ओके. थ्री केजीज आप. सो या पंजाबी फूड इज द बेस्ट, इज नो डाउट अबाउट दैट. विच पंजाबी फूड वर लाइक द मोस्ट? एवरीथिंग. आई लव पापड़ी चाट. आई लव, वाह. आई नो यू गाइज विल थिंक पापड़ी चाट इज नॉट पंजाबी, बट मैंने बेस्ट पापड़ी चाट अमृतसर में खाई है, ब्रिजवासी की. देन मुझे छोले भटूरे बहुत पसंद है, मुझे कुलचास बहुत पसंद है, एंड इट्स अनएंडिंग यार. मिठाई का मुझे बहुत शौक है अमृतसर में. या आई बिलीव इन द सीक्रेट टू, राइट शुभम? सो या दैट्स गुड. Yeah, I love that book. I totally like abide by it. I mean, you might read the book, it might work for you, it might not. Maybe it's absolute crap, I don't know, but it might, you might as well believe in something positive than believe in negative if you have to. And going back राइट. to my food, फिर मुझे चॉकलेट बर्फी का बहुत शौक है, मुझे जलेबी का बहुत शौक है, मुझे गुलाब जामुन का बहुत शौक है. बेसिकली अमृतसर में the only bad thing that's happened is कि मैं अमृतसर में आके यहाँ पे मेरे 21 day curfew हो गए, which means खाने की तो मेरी बैंड बजी हुई है यहाँ पर. ओह या
तो हम खा ना रहे हैं ना कि दैट्स व्हाई इट्स सो वरीसम. दैट्स व्हाई आई हैव टू मेक श्योर आई वर्क आउट, बिकॉज़ बाद में आई गो बैक टू बॉम्बे इट विल बी जो आजकल जोक चल रहा है ना नरेंद्र मोदी का, कि पहले इज टू से नमस्ते साथियों, अगर हम सब ऐसे खाते रहेंगे तो सून हील से नमस्ते हाथियों. आई फाउंड दैट वेरी फनी. ऐसे ही कुछ होने राइट. वाला है. एनीवे शुभम शुभम पूछ रहे, आर यू इनटू म्यूजिक? यस आई डू, आई एम वेरी मच इन म्यूजिक. आई स्टार्ट माई डे विद म्यूजिक, आई एंड माई डे विद म्यूजिक. आई लिसन म्यूजिक व्हेन आई एम वर्किंग आउट, आई लिसन म्यूजिक व्हेन आई एम इन माई शावर. देयर इज नो स्पेसिफिक टाइप और एनीथिंग, बट आई थिंक म्यूजिक इज लाइफ एंड इट जस्ट चेंजेस द एंटायर एनर्जी एंड द वाइब ऑफ योर रूम एंड योर स्टेट ऑफ माइंड. सो या आई लव म्यूजिक फॉर श्योर. राइट. ऑल्सो हमने अभी रिसेंट टाइम में देखा है, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज घर में खाना बना रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं. आपने क्या कुछ बनाया घर में, थोड़ा सा उस बारे में बताइए कि कौन सी नई नई डिश आपने खाई और बनाई? मैंने क्या बनाई अलग स्टोरी है, और लोगों ने जब खाया उनको क्या लगा वो था, वो अलग स्टोरी है. ओ शिट. क्योंकि मैं बनाती कुछ और हूँ, एंड आई एम लाइक पापा मामा ये देखो मैंने मटर पनीर बनाया है, एंड देन दे ईट इट एंड दे से मटर तो है ही नहीं बेटा इसमें. सो ऐसे भी होता है. ओ और मैं झाड़ू भी क्या लगाती हूँ वो मुझे ही पता है सिर्फ, एंड इट्स जस्ट इट्स रियली फनी. बट मैं कुकिंग सीख रही हूँ. मुझे पहले सिर्फ मैगी और वाह. अंडा और चाय बनाना आता था और कुछ भी नहीं आता था, बट अब मैं कुकिंग सीख रही हूँ और मैंने काफी कुछ सीख लिया. एक्चुअली सबसे ज्यादा डिफिकल्ट मुझे लगा था चावल बनाना और रोटी बनाना, बट बेसिक्स बेसिक्स आई थिंक आई कैन मैनेज नाउ. सो आई फील सभी कुकिंग सीख रहे हैं, कुछ होएगा नहीं होएगा तो एटलीस्ट इंडिया में सब मेन एंड वुमेन विल लर्न हाउ टू कुक. ये तो हो ही रहा है वाह फॉर श्योर. सही बात है. बट हाँ जी, और एक झाड़ू चीज मेरे पोछा को इज बोलनी. गोइंग ऑन, डस्टिंग इज गोइंग ऑन. हाँ बोलिए. वाह. हाँ, मैं ये बोल रहा था कि बहुत सारे लोग जो है 21 डेज के लॉकडाउन में घर पर तो है, लेकिन कुछ लोग जो है बाहर भी निकल रहे हैं. सो उनके लिए क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से, क्योंकि बहुत लोग जो है बाहर भी घूम रहे हैं. मोदी जी ने ये भी कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, लेकिन वो फॉलो नहीं कर रहे उस चीज को. तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से? देखिए मैं कोई तो लीडर हूं नहीं या कोई टीचर हूं नहीं कि मैं किसी को एडवाइस दे सकती हूँ, बट एज अ राइट. फ्रेंड आई कैन टेल यू ऑल कि भगवान ना करे कुछ बुरा हो और हमारी किसी फैमिली मेंबर को या मेरे हमारे पेरेंट्स को कुछ हो गया बिकॉज हम डिसिप्लिन नहीं थे, तो वी विल नॉट बी एबल टू फॉरगिव आवर सेल्फ फॉर एवर. सो जस्ट एज अ फ्रेंड आई वुड से दैट बी वाइज, एंड दिस इज नॉट इजी फॉर यू और फॉर मी और एनीबडी. राइट, वी ऑल आर हैविंग अ रियली रियली टफ टाइम. राइट. और मोदी जी के बोलने से भी कोई सुनने नहीं वाला, मेरे बोलने से भी कोई सुनने नहीं वाला है. हमने वही करना जो हम करना चाहते हैं. राइट. तो अगर अपनी खुद की अक्ल यूज करो एंड रियलाइज करो कि इट्स नॉट वर्थ इट, तो आप बाहर मत जाइए. अब तो मतलब ड्रोन्स लग रहे हैं, अपेरेंटली आज पेपर्स में आया था कि वो ड्रोन्स करेंगे हर सिटी में ताकि उनको दिखे कि कौन लोग बाहर निकल रहे हैं, ताकि कर्फ्यू कौन राइट. फॉलो नहीं कर रहा है. तो ऐसा दिन आए क्यों कि हम कोई और हमको डंडा मार के बोले कि जाओ. खुद ही लेट्स जस्ट बी सेंसिबल ऑन आवर ओन, है ना. राइट. व्हाई टू लाइक व्हाई टू मेक इट एम्बैरेसिंग फॉर योरसेल्फ दैट समवन एल्स इज टेलिंग अस. सो आई वुड से स्टे एट होम. आई थिंक इफ नॉट फॉर योरसेल्फ फॉर योर फैमिली स्टे एट होम. राइट. या रशीद बोल रहे हैं कि वो लोगों को कोई नहीं समझा सकता एक्सेप्ट पुलिस. ठीक है, वो भी ठीक है आई गेस. अगर नहीं समझते खुद तो फिर ठीक है डंडों से समझा दो. मैं आई एम नॉट इवन अगेंस्ट दैट ऑनेस्टली. राइट आई राइट फील राइट लाइक सेम. जो 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 लोग हुआ बीइंग फूलिश, जो जैसे वी हैव अ वर्ड कॉल्ड गेड़ी इन पंजाब. गेड़ी इज गोइंग फॉर अ ड्राइव फॉर नो रीजन. यू हैव नो राइट एजेंडा, यू हैव टू बाय नथिंग, घूमने के लिए निकल गए. वो अगर राइट गेड़ी तो मारने के लिए ऐसे निकलने वाले हो, मैं तो कहती हूँ डेफिनेटली डंडा मारो. मुझे कोई प्रॉब्लम राइट नहीं है, बिकॉज उनका नाम ऐसे नहीं है कि तो आप घर में तुम खाना नहीं है इसलिए खाना खरीदने के लिए बाहर जा रहे हो या किसी को हॉस्पिटल लेके जा रहे हो. टाइम पास के लिए डोंट डू इट. सो आई एम फाइन विद देम गेटिंग डंडाज ऑल्सो. आई एम फाइन विद दैट. अजय जी पूछ रहे, द नंबर ऑफ कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स इज इंक्रीजिंग, प्लीज से समथिंग अबाउट दिस. सुखमनी जी. या यू नो दैट्स व्हाई इट्स इंक्रीजिंग, बिकॉज मे बी वी ऑल आर नॉट बीइंग वेरी वाइज. मैं बहुत राइट. खुश हूँ कि इंडिया में लॉकडाउन हुआ है. मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी की साइड नहीं लेती हूँ या कोई, आई एम नॉट लाइक यू नो ये कांग्रेस है या बीजेपी. आई डोंट लाइक टू गेट इन टू पॉलिटिक्स इन एनी वे, बट एज अ सिटीजन आई एम वेरी हैप्पी दैट देर इज अ लॉकडाउन, बिकॉज आई थिंक इट्स रियली मेड अ डिफरेंस. एंड हमारे इंडिया में केसेस अमेरिका से कंपेयर करोगे या कोई और इटली से या स्पेन से कंपेयर करोगे बहुत कम है, और वो इसलिए कम है क्योंकि हम लोगों ने बहुत अच्छा लॉकडाउन फॉलो किया है. बट नंबर्स बढ़ रहे हैं
और नंबर्स जैसा प्रिडिक्ट करा गया था, हम लोग जिस स्टेज पर हैं अभी नंबर्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे. तो हम ऑल दैट वी कैन डू इज कि हम अपनी तरफ से कोशिश करें कि हम ना बढ़ाएं, ना मिले लोगों को और ना बाहर जाएं. बट बाकी राइट ऑफ कोर्स व्हाट्स गोना हैपन इन द यूनिवर्स वी कांट कंट्रोल, बट द नंबर्स आर इंक्रीजिंग एंड इट्स 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 स्कैरी. अनुराग जी पूछ रहे हैं योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट. माय नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज अ फिल्म दैट आई हैव रिटन फॉर नेटफ्लिक्स. इट्स बेस्ड ऑन, आई एम नॉट अलाउड टू टॉक अबाउट इट, बट इट्स बेसिकली अ ट्रू स्टोरी. It's from our own history, from the Indian history. We've already casted great actors for it. It's going to come on Netflix, and that's a film I've written, the story, screenplay, and dialogues for that film. उसके अलावा मैं एक next जो acting वाला मेरा project आने वाला है उसका नाम है तांडव, और it's also called दिल्ली. वो अली अब्बास जफर ने produce करा है, उसमें मैंने acting करी है. छोटा ही role है, sacred games के जैसे ही role है, but it's with Saif and with Dimple Ma'am and some great cast. एंड उसके अलावा मेरा एक और शो है कॉल्ड उड़न पटोला, जो हम ऑलरेडी शूट कर चुके हैं, जो मैंने लिखा है और जिसमें मैंने एक्टिंग भी करी है. इट्स अबाउट फोर गर्ल्स फ्रॉम अ स्मॉल टाउन गर्ल. बहुत ही क्यूट स्टोरी है, एक अडेप्टेशन है इसराइली शो की, उड़न पटोला. आप उसको चेक कर सकते हैं, वो ऑलरेडी इंटरनेट पे उसकी बातें स्टार्ट हो गई है. वो मेरा शो रिलीज होगा, वो मैंने लिखा और उसमें मैंने एक्टिंग भी करी. आई एम वन ऑफ द मेन फोर गर्ल्स इन द शो. सो राइट. या सो बाय बोलने का टाइम हो गया है. लास्टली जो जी है मैं सबको बताना चाहूंगा, वैसे जाने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन मैं सबको बताना चाहूंगा कि ये जो लाइव है वो हमारे YouTube चैनल पे भी अपलोड होने वाली है. तो अगर आप कुछ सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो सुखमनी जी ने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए, तो वहां पे भी जाके आप देख सकते हैं. सो हम लोग ये इंटरव्यू YouTube पे भी अपलोड करने वाले हैं. ठीक Sounds है. good, everyone. सो Take care of सो yourself. Lots of फाइनली love. बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू. बाय सुखमनी, एंड Everyone, टेक take केयर, care, स्टे guys. सेफ. Stay safe, stay at home. Thank थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. थैंक यू. you. My pleasure. Bye. बाय बाय, टेक केयर.